बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फारिस सिद्दीकी और आज मैं आपके लिए सीएफडी किचन में लेकर आया हूँ बेहतरीन रेस्टोरेंट स्टाइल कमर्शियल तरीके से बनने वाली चिकन फ्राइड राइस। बेहतरीन तरीके से बनते हैं, बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही सिंपल इंग्रीडियंट्स यूज होते हैं जो मैं आज आपको रेसिपी बताने जा रहा हूँ। बहुत कम इंग्रीडियंट्स में बनेगी। शुरू से लेके आखिर तक मेरी वीडियो से कनेक्ट रहे, इंशाल्लाह बहुत मजा आने वाला है, आप लोगों को पसंद आएगी। तो चले आइए शुरू करते हैं। इसकी मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताता हूँ क्या क्या रिक्वायर्ड है। चिकन फ्राइड राइस के लिए जो चिकन इस्तेमाल हम करेंगे, हमारे पास जो चिकन है इसमें आपको नजर आ रही होगी स्क्रीन पे, ये 300 ग्राम चिकन है जो चेस्ट पीस में ली गई है। फ्ले हमने इसके ले ली है, इसको कट करेंगे। इसके बाद जो इसमें तरतीब से जो मसाले इस्तेमाल होंगे वो मैं आपको बताता चलूँ। सबसे पहले ब्लैक पेपर आपको नजर आ रहा होगा, ये 1 टीस्पून है। व्हाइट पेपर भी आपका 1 टीस्पून है, नमक भी आपका 1 टीस्पून है, और चिकन पाउडर जो है वो 2 टीस्पून है। इसी तरह जो है चॉप्ड गार्लिक है वो 2 टेबलस्पून है, और वाइट सिरका जो है वो 1 टीस्पून है, और सोया सॉस जो है वो 2 टेबलस्पून है, और ये जो आपको नजर आ रहा होगा फूड कलर ये 1 टीस्पून है। इसको पानी में थोड़ा सा मिक्स करके आप 1 टीस्पून के करीब इसको ऐड कर लें और तैयार कर लें। अच्छा जी, अब जो जो इसमें वेजीज रिक्वायर्ड होंगी, वेजीज में आपके पास है गाजर है, शिमला है, बंद गोभी है, और ग्रीन अनियन है, हरी प्याज है, ठीक है, और 2 अंडे। तो अब इसको सबसे पहले हम चिकन को काट लेते हैं कि चिकन को किस शेप में काटा जाएगा वो देखना बहुत जरूरी है। अच्छा जी, चिकन को काट लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले चिकन को काटने का सबसे ईजी तरीका है, आप इसको जो है पहले एक फ्ले ले लें, ठीक है। अगर आपका चेस्ट पीस इस शेप में है तो उसको आप सीधा पहले बीच में से कट कर लें, ठीक है, देन फिर इसके इस तरह से पीस बना लें। ये देखें, इस तरह से काट लें चिकन को, बीच में से ऐसे कट लगाया। बेसिकली चिकन के क्यूब्स बनाने हैं आपने। ये अल्हम्दुलिल्लाह चिकन कट चुकी है, इसके क्यूब्स बना दिए हमने। अब वेजीज की कटिंग कर लेंगे। देखिए, वेजीज कट करना भी एक आर्ट है। अच्छी वेजीज कटी हो तो आपकी जो चीज है वो क्वालिटी वाइज ही बहुत अच्छी बनती है। तो सबसे पहले इसका हेड काट देंगे इस तरह से करके, ठीक है। फिर इसका जो है ये व्हाइट पोर्शन काट देंगे इस तरह से करके, इसको हम बाद में कट करेंगे। फिर इसको जो है हम इसकी जो नीचे वाली डंडी है ये भी काट देंगे ताकि आपकी वेजीज शेप में आ जाए। अब इसको जो है हम चॉप करेंगे। चॉप करने का सबसे इजी तरीका है, छुरी को आपने ऐसे पकड़ा और शुरू किया। ये देखें कितनी आसानी से चॉप हो रहा है। और अगर चॉप आपको जो है इस तरह से नहीं आता करना तो दूसरा तरीका इसका ये है कि फिर आप सिंपल सॉफ्ट हैंड से इसको इस तरह से चॉप कर सकते हैं ऐसे, ताकि आपकी उंगली भी नहीं कटे और आसानी से चॉप हो जाए। देखें कितना शानदार चॉप हो रहा है। वेजीज आपकी अच्छी चॉप होगी तो प्रोडक्ट भी आपकी इतनी अच्छी बनेगी, देखने में बहुत प्यारी लगेगी। ग्रीन अनियन का जो व्हाइट पोर्शन है ये देखें, इसको आपने कुछ नहीं करना, बीच में से इसको इस तरह से काट लें। जो मोटा पोर्शन है इसको भी ऐसा काट लें, एक बारीक है, इसकी खैर है ये ऐसी जाएगा। सबसे पहले हम पतला पोर्शन काटते हैं, इसको भी चॉप करना है इसमें। देखें ये भी चॉप हो गई है। अब ये हम ले लेते हैं गाजर, ठीक है। गाजर को भी हम जो है इसको जूलियन शेप में काटेंगे पर थोड़ा छोटा शेप रखेंगे, ठीक है। तो इसको पहले सबसे पहले बीच में से कट कर लें, फिर इसको आप यहां से काट लें। नाइफ का शार्प होना बहुत जरूरी है वेजीज जो है कटिंग करते वक्त। इसको मैं जूलियन शेप में काटूंगा, सबसे बेहतरीन तरीका है आप इसको एस शेप में रखें और ये नाइफ को अपना खड़ा रखें। नाइफ को खड़ा रखेंगे फिर इसके बाद ये ऐसे ये स्टेप्स निकलती जाएंगी इसमें से। देखें सबको इसी तरह से कर लेंगे। वेजीज चॉप करते वक्त आपके पास खासकर कटिंग बोर्ड का होना बहुत जरूरी है तो आप वेजीज प्रॉपर चॉप करेंगे, स्लाइस करेंगे, उसको जूलियन शेप काटेंगे, अच्छी होगी आपकी। कितनी ज़बरदस्त इसकी जो है इसका शेप आया है। अब मैंने कुछ भी नहीं करना है, इसको मैंने कहा था कि इसको मैंने जूलियन इसका छोटा रखना है तो इसको मैं थोड़ा थोड़ा लेके
बीच में से कट कर दूंगा। ये देखें ऐसे करके, देख रहे हैं इस तरह से। अच्छा, अब इसके बाद जो है बंद गोभी को काट लेंगे, इसको चॉप करेंगे। सबसे पहले बंद गोभी काटने का जो तरीका है, इसको यहां से जो है इसका हेड काट दें, फिर इसको आप बीच में से कट कर दें, फिर इसके बाद जो है आप इसको यहां से बीच में से काटें, अब इसको यहां से ऐसे निकालें। ठीक है, अब इसको हमने चॉप करना है, तो थोड़ा थोड़ा लेके हम इसको चॉप करेंगे। बहुत ध्यान से आपने इसको चॉप करना है, अपनी उंगलियों को भी बचाना है, और जो मैं तरीका बता रहा हूँ इंशाल्लाह इस तरीके को फॉलो करें तो इंशाल्लाह आसानी से आपकी सब्जी चॉप हो जाएगी। हाथ को अपने जो है इस तरह से रखें, छुरी को इस तरह पकड़ें, फिर देखें। अच्छा, इसमें जो है बंद गोभी जो है वो आधा इस्तेमाल होगा, आधा हमने निकाल के अलग कर लिया, इसको चॉप कर लिया। शिमला काटने का मैं आपको तरीका बताता हूँ, ये देखिए। सबसे पहले इसका हेड को काट लें, फिर ये अंदर से आप जो इसका पार्ट देख रहे हैं ये वाला, इसको ऐसे ऐसे करके ये पूरा निकल आएगा। ठीक है, इस तरह से यहां पर चला जाएगा, ये वेस्टेज है। अब यही हिस्सा इसका यहां से निकाल दें, थोड़ा सा तो बीच में से, यहां से बीच से कट करें। अब ये देखिए पूरा स्ट्रिप एक बन गई है। इसमें सबसे पहला पोर्शन जो है ये जो व्हाइट पार्ट है इसको निकाल दें ऐसे करके। अब इसकी जूलियन शेप निकाल दें ऐसे। ठीक है, अब क्या करना है कि साइज को आपने छोटा करना है। ये देखें इतना मैंने रखा और ये इसको ऐसे किया, ये देखें अलग हो गया। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह वेजीज आपकी कट हो चुकी हैं बेहतरीन तरीके से। मैंने आपको तरीका बताया क्या तरीका था। अब जो है हम अंडे को पेंट लेंगे। सबसे पहले मैं अंडा तोड़ता हूँ, अंडे को ऐसे लिया। अच्छा, इसमें मैंने आपको बताया था कि फूड कलर जो है वो तकरीबन 1 टीस्पून के करीब लिया था, इसमें पानी ऐड कर दिया था, तो ये मैं इसमें डाल देता हूँ ताकि अंडे की शक्ल बहुत प्यारी सी है। और चुटकी बराबर जो है इसमें आप नमक ले लें, ये देखें इसको फेंट लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अच्छे तरीके से इसको फेंट लें। ये देखें अंडा माशाल्लाह फेंट चुका है। अब ये के सारी चीजें माशाल्लाह हमारी रेडी है, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हम जाके कढ़ाई चढ़ाते हैं अपनी, जो इसकी कढ़ाई है उसके अंदर, फिर बाकी प्रोसेस में आपको वहां जाके बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने जो है इसकी कढ़ाई चढ़ा दी है। अब मैं जो है चूल्हा ऑन कर लेता हूँ। फ्लेम जो है आपने मीडियम, लो टू मीडियम फ्लेम रखना है। ठीक है, ऑयल इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब डाल दें। अच्छा, ऑयल गर्म हो गया है, इसके अंदर मैं जो हूँ अब जो मैंने अंडा फेंटा था, ठीक है, वो मैं इसमें डाल देता हूँ। अंडे को जो है स्क्रैम्बल करना है। ठीक है, अंडे को तोड़ लें। अंडा हो चुका है, अंडे को निकाल लेंगे अलग से। थोड़ा सा ऑयल और ले लें। अब इसमें जो है हम चॉप लहसुन डालेंगे अपना, इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। फौरन इसमें चिकन डाल देंगे। चिकन को जब तक इसमें चम्मच चलाना है जब तक ये अपना शक्ल चेंज ना कर ले। अच्छा, अब इसके अंदर जो है हम गाजर डाल देंगे, क्योंकि गाजर जो है थोड़ी देर से गलती है, तो हम पहले इसमें गाजर ले लेंगे, बाकी वेजीज इसके बाहर डालेंगे। अच्छी तरह मिक्स करेंगे इसे, फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा दूंगा मैं। 1.5 से 2 मिनट आप गाजर इसमें चलाएं, और उसके बाद मैं बाकी सब्जी इसमें डाल देता हूँ। अच्छी तरह मिक्स कर लें इसे। अच्छा, इसमें जो हमने राइस लिए थे वो बासमती राइस हैं, अच्छी क्वालिटी के, बॉईल कर लिए इसको। ये तकरीबन 1/2 किलो राइस हैं। ठीक है, ये हम इसके अंदर चावल डाल देंगे, इसको मिक्स करेंगे सॉफ्ट हैंड से ताकि चावल आपका टूटे नहीं।
अब इसके अंदर जो है हम सोया सॉस डाल देंगे, सिरका डाल देंगे, इसको मिक्स करेंगे। देखिए माशाल्लाह शक्ल कितनी जबरदस्त और बहुत ही प्यारी शक्ल है ये। अब इसके अंदर जो है 1 टीस्पून रेड पेपर, 1 टीस्पून व्हाइट पेपर और हसबे जायका नमक को मिक्स करेंगे। माशाल्लाह बहुत ही शानदार किस्म की खुशबू आ रही है। अब जो है चिकन पाउडर डालेंगे, 2 टीस्पून आपका चिकन पाउडर अच्छी तरह चारों तरफ करके डाल दें। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें ताकि चावल जो है नीचे चिपके नहीं। हमने जो अंडा किया था तो अब इसको स्क्रैम्बल्ड एग जो है इसमें डाल देंगे और हरी प्याज तरह से डाल देंगे। इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। हाँ जी, तो बन गया ना आपका बेहतरीन किस्म का रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन फ्राइड राइस। अल्हम्दुलिल्लाह ये रेडी है, अब इसको डिश आउट करते हैं। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बेहतरीन किस्म के कमर्शियल स्टाइल रेस्टोरेंट वाले चिकन फ्राइड राइस तैयार है, बेहतरीन तरीके से बने हैं, बहुत ही जबरदस्त खुशबू है। इंशाल्लाह घर पे ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगा। और मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश है इसी तरह मेरी वीडियोज को लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और मेरी आने वाली तमाम वीडियो से कनेक्ट रहें। इसी तरह की मजेदार मजे की वीडियोस, मजे की रेसिपीज, कमर्शियल स्टाइल, इंटरनेशनल स्टाइल मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। इंशाल्लाह ताला मैं फिर आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।